नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम एमएन श्रीनिवास को जानने का प्रयास करेंगे। जीएस गुरिये के बाद भारतीय समाजशास्त्र को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा समृद्ध किया है तो उनमें श्रीनिवास का पहला नंबर आता है। इन्होंने अनेक अवधारणाएं दी है जो आज भी भारतीय समाजशास्त्र के लिए प्रांगसिक है। अगर बात करें इनके योगदान की तो आज इस क्लास में हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण क्या है, किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पश्चिमीकरण की अवधारणा, लौकिकीकरण की अवधारणा, प्रबल या प्रभु जाति की अवधारणा और हिंदू धर्म के फैलाव स्प्रेड की अवधारणा, ये इनकी प्रमुख अवधारणा है। तो आज इस क्लास में हम इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, एमएन श्रीनिवास, तो इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। इनका जन्म है वो 16 नवंबर 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 30 नवंबर 1999 को हुई थी। इनका जन्म तत्कालीन मैसूर राज्य, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंतर आता है। एमएन श्रीनिवास ने भारतीय समाजशास्त्र में जो प्रमुख योगदान दिया वो उनका योगदान है क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करने का, या ग्रामीण समुदायों का अध्ययन है इन्होंने, मानव शास्त्रीय अध्ययन है वो प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इनका जो कुरग जाति का अध्ययन था, क्षेत्र का अध्ययन, वो आज भी महत्वपूर्ण है भारतीय समाज शास्त्र के लिए। इनके जो अध्ययन की विधि रही है, इनका जो अध्ययन का उपागम है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। जहाँ जीएस गुरिये की जो अध्ययन की उपागम की विधि थी वो कौन सी थी, वो थी भारत विद्याशास्त्र। क्या थी? भारत विद्याशास्त्र। लेकिन एमएन श्रीनिवास की जो अध्ययन की विधि थी, उपागम था, वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रहा है। एमएन श्रीनिवास ने सहभागी अवलोकन से, अवलोकन के कई प्रकार होते हैं तो उनमें से एक है सहभागी अवलोकन के माध्यम से रामपुरा गांव का अध्ययन किया। रामपुरा गांव का वास्तविक नाम था वो था कोडघल्ली। क्या था? कोडघल्ली। तो इसके आधार पे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत, अवधारणाएं और पुस्तकें लिखी है इस अपने अध्ययन के आधार पर। तो लगभग एक वर्ष तक इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया था। उसके बाद में वो उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी और अमेरिका में वो चले गए थे। भारतीय समाजशास्त्र के लिए मील का पत्र साबित हुई है जो ये गांव का इनका अध्ययन था। इन्होंने बड़ौदा और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाया है, वो यहाँ पर प्रोफेसर रहे हैं। तो दोनों जगह इन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में अध्यापन कार्य करवाया है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो शोध का विषय था, इनकी जो पीएचडी थी, इनकी जो थीसिस थी वो थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुरग ऑफ साउथ इंडिया। ये इनके शोध का विषय था जो इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से जीएस गुरिये के निर्देशन में किया था। बाद में रिसर्च के लिए वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए थे। वहाँ इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और इवान्स प्रीचार्ड के निर्देशन में शोध कार्य किया। रेडक्लिफ ब्राउन से इनको ग्रामीण अध्ययन, या जो ग्रामीण इनका जो रहा है समुदाय के प्रति इनका जो विशेष लगाव हुआ है, गाँवों के अध्ययन इनके रहे हैं, उनका काफ़ी योगदान है वो रेडक्लिफ ब्राउन को जाता है, जो इन्होंने मोटिवेशन इनको ब्राउन से मिला है। तो ये इनके शोध का विषय था। बाद में इन्होंने 1952 में इसी नाम से पुस्तक के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कब? 1952 में। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये एक लघु शोध था। एमए का इनके लघु शोध होता है, अगर जो कोई एमए कर रहे हैं तो कई विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का शोध होता है। तो 1940 में प्रारंभ किया था और ये लगभग 1942 में इन्होंने पूरा किया था। तो ये इनका पहला कोई कार्य था, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, और बाद में इनकी ये प्रमुख पुस्तक बनी। ये जो पुस्तक है, इनकी जितनी भी अवधारणाएं हैं, चाहे वो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, प्रबल जाति की अवधारणा है, लौकिकीकरण की अवधारणा है, इनका आधार रही है। इनका क्या रही है? आधार रही है। इनका विस्तार से वर्णन तो इन्होंने आगे
आने वाली अपनी पुस्तकों में किया था, लेकिन इनका आधार यहाँ से बन गया था। विलेजाज इंडिया यानी भारत के, सॉरी गांव, भारत के गांव 1955 के अंदर, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रही है उस दौर की। उसके बाद से भारत में ग्रामीण अध्ययन की एक बाढ़ सी आ गई थी, इसलिए 1955 में ही कुल ग्रामीण भारत के आधार पे 3 पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें से एसी दुबे की भी है, एन इंडियन विलेज मेरिट की भी है। तो कई पुस्तकें आई थी, तो इस अध्ययन के बाद में काफ़ी बड़े स्तर पर गांव का अध्ययन है वो प्रारंभ हो गया था। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशोलॉजी, ये इनकी पुस्तक है, वो 1959 में आई है। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976 में आई है। ये पुस्तकें आप याद कर लो, बाकी कोई ज़्यादा प्रश्न इनसे नहीं बनते हैं। द रिमेम्बर्ड विलेज, तो इन्होंने जो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, तो इन्होंने कहीं लिखा था, और दुर्भाग्य से जहां इनकी वो पत्रावली लिखी हुई थी वो जल गई, नष्ट हो गई, वो समाप्त हो गई। बाद में इन्होंने जो अध्ययन किया था उसको अपनी यादों के सहारे अपनी किताब के रूप में प्रकाशित करवाया है, जो उस पुस्तक का नाम है रिमेम्बर्ड विलेज। इसका हिंदी अनुवाद भी है, यादों से रचा गांव। क्या नाम है? यादों से रचा गांव। तो उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पे उस किताब को, इस किताब को लिखा है, इसलिए इस किताब की जो शैली है वो क्या हो गई है, वो उपन्यास टाइप की हो गई है। भी एक प्रकार का ये उपन्यास ही हो गया है। ये 1976 की बात है, काफ़ी साल बाद में इन्होंने, जब इनको वक्त मिला तब इन्होंने ये किताब लिखी है। आगे है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962 में, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसमें जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है इन्होंने कि वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन्होंने जाति व्यवस्था की 2 प्रकार की एकता बताई है, एक उर्दू एकता और एक क्षेत्रीय एकता। क्षेत्रीय एकता का मतलब है कि जो एक ही जाति है उसके अंदर एकता है, और जो हमारा जजमानी सिस्टम है जिसमें जातियों में संस्तरण पाया जाता है, कई स्तरों में जातियां विभाजित है, तो इनमें भी एकता है, तो इन्होंने उर्दू एकता इसको कहा है। तो जैसे कि वो चर्चा करते हैं, तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि सभी जातियों में मिलते हैं, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, और पूरे भारत की जातियों में मिलेंगे। तो इनको इन्होंने कहा है उर्दू एकता। और जो एक ही जाति के अंदर, यानी किसी एक ही जाति के अंदर समानांतर जातियों के अंदर जो एकता पाई जाती है या जो तत्व पाए जाते हैं, इनको कहा है इन्होंने क्षेत्रीय एकता। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। अभी PGT सोशोलॉजी का हुआ था राजस्थान में, उसमें पूछा गया था कि इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन है वो किस पुस्तक में किया था, तो इस पुस्तक में किया था, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। पश्चिमीकरण की जो इन्होंने अवधारणा दी थी वो भी इन्होंने इसी पुस्तक में दी थी। तो इसमें जाति व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में इनमें लिखा है। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977 में। आगे है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980 के अंतर। कास्ट इस्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ये टै है सह नहीं है। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987 में। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996 के अंदर। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम इनकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो पहले बात करते हैं संस्कृतिकरण, जिस पे भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और थोड़ी सी विवादास्पद भी ये है, कोई इसको स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता है। तो पहले इन्होंने इस अवधारणा को नाम दिया था ब्राह्मणीकरण। तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृति यानी दूसरे जातियों की संस्कृति को ग्रहण करना, सीखना। एक ये प्रसंस्कृति ग्रहण की
प्रक्रिया है, उसमें पहले उन्होंने कहा कि जो निमन जातियां हैं वो ब्राह्मण जाति की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको जैसे जनेऊ धारण कर लेना, शाकाहारी बन जाना, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को ग्रहण कर रही है, तो इसको पहले नाम दिया था ब्राह्मणीकरण। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि केवल ब्राह्मणों की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनका अनुकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो और बहुत सारी जातियां हैं, मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ कहा है द्विज जातियां, तो इन जातियों का भी अनुकरण किया जा रहा है। द्विज का अर्थ होता है भी इसमें हम तीन जातियों को शामिल करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता है। तो परिभाषा दी है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निमन हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह है अपनी प्रथाओं को, कर्मकांडों को, विचारधारा को और जीवन शैली को अपने से उच्च प्राय द्विज जातियों की दिशा में बदल लेती है और दो तीन पीढ़ी पश्चात, दो या तीन पीढ़ी पश्चात वो अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है, जो कि प्राय स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। योगेंद्र सिंह ने इसे अग्रिम समाजीकरण कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृति को अग्रिम समाजीकरण किसने कहा, तो योगेंद्र सिंह ने कहा है। यह अवधारणा है वो संदर्भ समूह से मिलती जुलती है, यानी उसके हम सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनना चाहते हैं, तो उन जातियों के समकक्ष तो नहीं है लेकिन उन जातियों के समकक्ष होना चाहते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह केवल एक पदमूलक परिवर्तन है। क्या है, पदमूलक परिवर्तन है। बड़ा विवाद रहा है इस पे, क्या ये लंबवत परिवर्तन लाती है या क्षैतिज परिवर्तन लाती है। जैसे अपना जाति सिस्टम है वो क्या है, मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये क्या कहते हैं, एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि ये जाति है या इन जातियों का अनुकरण कर लिया और दो तीन पीढ़ी पश्चात दावा करती है कि हम इस स्तर पे नहीं है, हम इस स्तर पे आ गए हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये लंबवत परिवर्तन है। लेकिन इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जब शूद्रों की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी जातियाँ आएगी, तो वो फिर क्या होगी, इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं तो एक जाति है वो अपने आसपास की जातियाँ हैं उनसे थोड़ी ऊपर हो जाती है, लेकिन जो समाज की जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए संस्कृतिकरण संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, केवल सांस्कृतिक परिवर्तन है, ऐसा इसकी आलोचना करने वालों ने कहा है और स्वीकार किया गया है कि संस्कृतिकरण एक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जैसे यहाँ कहा है, ये संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन को योगेंद्र सिंह ने दो भागों में बांटा है, संरचनात्मक जो समाज के स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाता है तो इसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण आता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन में ये लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण ये आते हैं। तो इसके कई प्रारूप है, ब्राह्मण भी हो गए, कुछ और जातियां भी हो सकती है, यह उच्च जाति प्राय द्विज जातियों का अनुकरण है, संस्कृतिकरण का संबंध है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं है, एक संपूर्ण समूह से है, यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि रुक जाती है, ये निरंतर चलती रहती है और पूरे भारत में ये किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। और इस पर कई बहुत अध्ययन हुए, जैसे कि ओवन लिंच ने किया है आगरा के आसपास के जाटवों का अध्ययन, तो उन्होंने भी संस्कृतिकरण को वहाँ परखा है। राजस्थान में KL शर्मा ने 6 गांवों का अध्ययन किया है, वहाँ भी इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को परीक्षण वहाँ पर इन्होंने किया है। तो इसके विपरीत, संस्कृतिकरण के विपरीत, यानी कोई उच्च जाति अपने से निम्न जाति के रीति रिवाजों का अनुकरण करती है, वो जनेऊ छोड़ देती है, मांस मदिरा का सेवन प्रारंभ कर देती है, तो उसको कहते हैं विसंस्कृतिकरण। क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण। तो इसमें एक नाम तो मजूमदार का जुड़ा हुआ है और एक एम एन श्रीनिवास का जुड़ा हुआ है। संस्कृतिकरण की कई स्तरों पर आलोचना करते हैं, जैसे मान लिया इस अवधारणा को मानते हैं तो हम जाति को उच्चता या निम्नता के आधार पर मान लेते हैं कि ये जाति निम्न है, इसके रीति रिवाज निम्न है, घटिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कोई भी जाति निम्न नहीं हो सकती, उसके रीति रिवाज घटिया नहीं हो सकते, उसको छोड़ने की आवश्यकता
नहीं हो सकती, कुछ कुरीतियां हो सकती है, कुछ प्रथाएं ऐसी हो सकती है, लेकिन ये उच्च जाति, ये निम्न जाति इसको स्वीकार कर लेती है, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से अच्छा नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। अगली अवधारणा है इनकी पश्चिमीकरण की। पश्चिमीकरण क्या है? एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है, जो कि एम एन श्रीनिवास इसको औपनिवेशिक शासन की देन मानते हैं। सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग एम एन श्रीनिवास ने ही किया था, तो ये परिभाषा देते हैं पश्चिमीकरण की। क्या कहते हैं? ब्रिटिश शासन के लगभग 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में परिवर्तन जो हुए हैं, उसके लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, जैसे कि तकनीकी आ जाता है, संस्था आ जाती है, विचारधारा आ जाते हैं और मूल्य आ जाते हैं। तो ये नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, अच्छी या बुरी नहीं है, केवल ये अनुकरण है। ये मानवतावाद की पक्षधर है, भेदभाव को समाप्त करती है, धर्म निरपेक्ष है, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करती है, समानता पर आधारित है और तार्किकता पर आधारित एक अवधारणा है। लेकिन इसका संकुचित अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि क्यों? कि इसमें केवल ब्रिटिश प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, और भी भारत में फ्रांस के लोग भी आए थे, पुर्तगाल के लोग आए थे, उनका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस अवधारणा के अंदर उनके प्रभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे है लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। तो लौकिकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें अलौकिक, धार्मिक और प्रथागत व्यवहारों, यानी धार्मिकता को या अलौकिकता को समाप्त करके उसके स्थान पे व्यवहार के अंदर धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होता है। यानी जो चीज़ों को हम धर्म के हिसाब से देखते हैं, धर्म के हिसाब से न देखकर इसको तर्क के आधार पे देखना, इसको वैज्ञानिकता के आधार पे चीज़ों को देखना, अगर ये हमारे व्यवहार में आता है, जैसे कि पहले बीमारी आती थी तो माता का दोष माना जाता था, माता यानी अलौकिक शक्ति, और उसको बाहर कर दिया जाता था, कुष्ठ रोगी को बाहर कर दिया जाता था कि ये तो अलौकिक शक्ति है, ईश्वर ने इस पे इसने बुरा कोई काम किया होगा, उसके कर्मों की सजा है, इस प्रकार के हम व्यवहार में लाते थे। लेकिन अब नहीं लाते, अगर कोई भी रोग है तो उसका इलाज है। जैसे अभी कोरोना आया, पहले इस प्रकार के बहुत सारे रोग हुआ करते थे तो उसको ईश्वर की देन मानकर उस व्यक्ति को अलग कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वैज्ञानिकता और तार्किकता का समावेश अपने दैनिक जीवन में होने लगा है। एम एन श्रीनिवास ने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, ये परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा है? धार्मिकता में कमी, तार्किक चिंतन में वृद्धि। नंबर एक, धार्मिकता में कमी आना। नंबर दो, तार्किक चिंतन में वृद्धि होना। समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं में विभेदीकरण। नंबर तीन हो जाएगा विभेदीकरण। किन किन में विभेदीकरण? राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं में। ये तीन विशेषताएं बताई है एम एन श्रीनिवास ने। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन सी विशेषता एम एन श्रीनिवास ने नहीं बताई? तो ये तीन विशेषताएं बताई है, कौन से पहलुओं का जिक्र एम एन श्रीनिवास ने नहीं किया? तो राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का किया है, आर्थिक पहलुओं का नहीं किया है। इसमें धीरे धीरे धर्म में संकीर्णता का स्थान है, वो क्या ले लेते हैं? तर्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तर्क ले लेते हैं। आगे है प्रबल जाति या प्रभु जाति। क्या है? प्रबल जाति या प्रभु जाति। ये भी एक प्रमुख अवधारणा है और इससे भी प्रश्न है, वो बार बार पूछे जाते हैं। तो एक क्षेत्र में या किसी एक गांव में बहुत सारी जातियां होती है, लेकिन उनमें से कोई एक जाति का प्रभुत्व होता है तो उसको प्रबल जाति के तौर पे जाना जाता है। बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में जातियां हो सकती है, अमूमन प्रत्येक गांव में 20-25-50 जातियां तो मिली जाती है, लेकिन उनमें से कोई एक जाति का प्रभुत्व होता है। एम एन श्रीनिवास ने इंडियाज विलेजेस पुस्तक में लिखा है कि प्रबल जाति वह होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में, वो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गांव की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिक होती है, अधिकांश भूमि पर उनका
स्वामित्व होता है और राजनीतिक और सामाजिक रूप से उच्च स्थान रखते हैं। तो चार तीन विशेषताएं बताइए, अधिक जनसंख्या होना, संसाधनों पर अधिकार होना और सामाजिक और राजनीतिक तौर पे क्या होना, प्रभुत्व होना। तो ये तीन, या इसको कई बार अलग अलग कर देते हैं, जनसंख्या अधिक, संसाधनों पर अधिकार, आर्थिक रूप से संपन्न, सामाजिक प्रभुत्व है और राजनीतिक प्रभुत्व है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या अधिक होती है तो राजनीतिक प्रभुत्व तो आ ही जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल तो देखा जाता है। तो यह अवधारणा 1951 में इन्होंने एक लेख लिखा था, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज, तो उसमें इन्होंने प्रयोग किया था। बाद में इंडियाज विलेजेज में इसकी एक परिभाषा दी है। और ओक्कालिंगा जिस क्षेत्र का अध्ययन किया था ना इन्होंने, तो ओक्कालिंगा उस क्षेत्र की प्रबल जाति थी। इसकी आलोचना भी की है एससी दुबे ने, श्यामाचरण दुबे ने कहा है कि कोई प्रबल जाति नहीं होती है, क्या होता है, कोई प्रबल व्यक्ति होता है। क्या होता है, कोई प्रबल व्यक्ति होता है गांव के अंदर या क्षेत्र के अंदर। राय वर्मन ने कहा है कि कोई ऐसी जाति नहीं होती है, एक समुदाय होता है। क्या होता है, प्रबल समुदाय होता है। तो ये तीन बातें हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि क्या कोई सामाजिक रूप से, क्या कोई सामाजिक रूप से निम्न जाति, सामाजिक रूप से कोई निम्न जाति प्रबल जाति हो सकती है। तो एमएन श्रीनिवास ने कहा नहीं हो सकती। लेकिन बिहार के अंदर एक जाति है भूमिहार। क्या है, भूमिहार। वो जाति एक संस्करण में निम्न स्थान रखती है लेकिन फिर भी एक प्रबल जाति के रूप में जानी जाती है। तो एमएन श्रीनिवास ने तो ये बता दिया था कि सामाजिक रूप से दिवी जो होती है प्रबल जाति, वही प्रबल जाति होती है। ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई निम्न जाति भी प्रबल जाति है, लेकिन बिहार के अंदर ऐसा देखा गया है। आगे है फैलाव। तो फैलाव की जब बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म की बात कर रहे होते हैं कि हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनका फैलाव किस किस स्तर पर है। तो उन्होंने हिंदू धर्म की जो फैलाव या स्प्रेड की जो चर्चा है वो चार स्तरों पर की है कि इनका फैलाव है वो चार स्तरों पर है। एक स्थानीय हिंदुत्व है, यानी कोई क्षेत्र विशेष है, छोटा सा गांव हो गया तो वहाँ फैलाव है किसी चीज़ का, जैसे कोई स्थानीय लोकल देवी देवता होता है उनका फैलाव वहाँ पर हो सकता है। क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व है, तो इसमें वो कहते हैं कि एक क्षेत्र, एक तहसील हो सकती है, एक जिला हो सकता है और एक राज्य भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं प्रायद्वीपीय हिंदुत्व है, फिर वो बात कर रहे हैं पूरे प्रायद्वीप भारत की, यानी दक्षिण भारत की, और फिर वो बात कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत के अंदर हिंदुत्व है। तो कुछ तत्व हैं जैसे कि होली दिवाली है, मुख्य रूप से दीपावली है, वो पूरे भारत में फैलाव है उसका, बाकी कहीं उनका फैलाव नहीं है। बाकी सब अपने अपने धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र संकुचित होता जाता है, स्थानीयता का महत्व तो बढ़ता जाता है, कई गाँव में अपने गाँव के लोकल देवता होते हैं तो उनको स्थानीय लेवल पर इन्होंने कहा है। आगे है किसने कहा कि कुछ पर्सन है, ये दो चार जो किसी भी अवधारणा में नहीं आ रहे थे, तो किसने कहा कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है। तो ये कथन किनका है, ये एमन श्रीनिवास का है। क्या कोई निम्न जाति प्रबल जाति हो सकती है, श्रीनिवास के अनुसार तो नहीं हो सकती, लेकिन बिहार में भूमिहार एक प्रबल जाति है। आधुनिकीकरण किस प्रकार की अवधारणा है, मूल्य युक्त। किस प्रकार की अवधारणा है, मूल्य युक्त। पश्चिमीकरण क्या है, मूल्य तटस्थ। श्रीनिवास ने जाति आधारित कितने प्रकार की एकता बताई थी, दो प्रकार की बताई थी, लंबवत और क्षैतिज एकता। इनको 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य बताए, एक पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भारत विद्याशास्त्र और एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य। इन्होंने क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया था और भारत में क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत कराई थी। तो एमएन श्रीनिवास के बारे में मुझे लगता है कि और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर ये वीडियो सुना और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। इसी प्रकार की जो भारतीय आधुनिक विचारक हैं उन पे क्लासेज है वो चलती रहेगी। धन्यवाद।